हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे खिलखिलाते हुए, चेहरे पर जीत की खुशी, अचीवमेंट का आनंद, ये है जलगांव के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हाजी मीर मुशर्रफ अली और साथ ही में रयान अहमद, एम क्योर फार्मास्यूटिकल के ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जलगांव हेडक्वार्टर में वर्किंग करते हैं। और प्रस्तुत बाइक्स जो आप देख रहे हैं, ये बाइक्स उन्हें मिली है इंसेंटिव के रूप में, अचीवमेंट के रूप में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना आजकल उतना आसान नहीं, उसमें भी 100% टारगेट करना महाकठिन कार्य, और उससे भी आगे जाकर इस तरह के बाइक्स, इस तरह के इंसेंटिव या फॉरेन टूर प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर साबित होती है। क्योंकि आजकल मेडिकल फ्रैटर्निटी में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, नई नई कंपनियाँ आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, साथ ही में PCD, जेनरिक और तरह तरह के डिस्काउंट, जिसके कारण प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो दो अचीवर बॉयज़ है, हाजी मुशर्रफ और रयान अहमद, इन्होंने अपनी मेहनत, लगन, प्रॉपर प्लानिंग, सीनियर्स का गाइडेंस, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनीज, HR का गाइडेंस, मिलने वाला सपोर्ट, और साथ ही में सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद बारी आती है आपके केमिस्ट और स्टॉकिस्ट की, इन सभी के सहयोग से इस तरह की उपलब्धि पाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, जिद, प्रॉपर प्लानिंग, यही सब कुछ कर दिखाया है मीर मुशर्रफ और रयान अहमद ने। हर तरफ मुबारकबाद है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, अभिनंदन है, और दोनों ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फुले नहीं समा रहे हैं, और क्यों ना हो, काफ़ी मेहनत, मशक्क़त और जिद के बाद ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों में 2 बार इनका इंसेंटिव कुछ ही मार्जिन से मिस हो गया था, जिसकी कसक, जिसकी टीस इनके मन में हमेशा से समाई थी। यही वजह है कि इन दोनों ने जिद निर्माण कर ली, हौसला निर्माण कर लिया, और ये ठान लिया था कि इस वर्ष हम बाइक प्राप्त करते ही रहेंगे। ये वर्ष स्टाइलिश स्पोर्टी बाइक, कॉलेज बॉयज़ की पसंद, और काफ़ी मजबूत ये बाइक इनके गले का हार बनी है। हर तरफ जश्न ही जश्न का माहौल है। सिर्फ ये दोनों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, जलगांव हेडक्वार्टर में भी पूरी तरह से खुशियों का माहौल है, उत्साह का माहौल है। हर कोई इन्हें मुबारकबाद दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, और साथ ही में ये दोनों ही बाइक और दोनों ही बाइक सवार, अर्थात दोनों ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अब कई सैकड़ों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए प्रेरणाओं का स्रोत बने हैं। निश्चित रूप से जो भी MR इसे देखता है, उसके मन में यही बात आती है कि जिस प्रकार से इन दोनों ने अचीवमेंट की है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वाई कैनॉट वी, यस वी कैन, यस आई कैन डू, इस तरह का हौसला, इस तरह का जज्बा, इस तरह का जुनून और इस तरह की अचीवमेंट प्राप्त करने का हर कोई प्रयास कर रहा है। हम इंडिया 365 की ओर से भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मुबारकबाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी आसान ये अचीवमेंट लग रही है, उतनी आसान ये वाकई थी नहीं। लेकिन फाइनली एंड्स वेल इज ऑल इज़ वेल, इस प्रकार से जलगांव हेडक्वार्टर बना है दूसरे कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए प्रेरणाओं का, इंस्पिरेशन का स्रोत। आपको बता दें कि जलगांव जिला, जलगांव शहर एक बहुत ही बड़ा मेडिकल हब के रूप में डेवलप होता जा रहा है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स नए नए आ रहे हैं, कंसल्टेंट है, MD है, MS है, ऑर्थोपेडिक्स है, पीडियाट्रिक्स है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, ऐसी कई तरह की फैकल्टीज़ में नंबर ऑफ डॉक्टर्स नए आ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। MR की भी संख्या लगातार बढ़ रही है, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, MR बढ़ रहे हैं, साथ ही में कॉम्पिटिशन भी बढ़ रही है। नई नई कंपनियाँ मार्केट में लॉन्च हो रही है, नई नई कंपनियाँ बहुत ज़्यादा स्कीम, बहुत ज़्यादा इनपुट मटेरियल्स, और डॉक्टर्स को लुभाने वाले, डॉक्टर्स के परिवार को
सुहाने वाले कई तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आती है, जिसके कारण सर्वसामान्य मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए और भी ज़्यादा चुनौतियाँ खड़ी हो जाती है। जलगांव में तो कट थ्रॉट कंपटीशन है, जिसके कारण एमआर का आजकल अचीवर बनना तो बहुत दूर, फील्ड में सर्वाइव करना भी थोड़ा कठिन हो गया है। एक दौर था जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आसानी से 110% अचीवमेंट किया करते थे, लेकिन हालिया दौर में देखा जा रहा है कि कई एमआर 100% तक पहुँचते पहुँचते नाक में दम आ जाता है। इसके बाद भी कंपनीज की तरफ से कई तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अटिया और शर्तियाँ होती है इंसेंटिव के लिए। इंसेंटिव प्राप्त करना है, बोनस प्राप्त करना है, फॉरेन टूर प्राप्त करना है, या फिर और कोई इक्विपमेंट प्राप्त करना है, इंस्ट्रूमेंट प्राप्त करना है, तो एमआर को आवश्यकता होती है कड़ी मेहनत की, और वही कुछ कर दिखाया है हाजी मुशर्रफ साथ ही में रियान अहमद ने। जलगांव से अयाज मोहसिन जाएंगे आप, आज आपने जो अचीवमेंट किए हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने इस मौके तक पहुंचाया हमको। मेरा नाम मीर मुशर्रफ अली, मैं जलगांव हेडक्वार्टर में हूँ एमक्योर फार्मास्यूटिकल के सीडी डिवीजन में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसानों करम से हमने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा किया, जिसमें हमको कंपनी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं थैंक्स करूँगा स्पेशल थैंक्स एमक्योर को, उसके बाद में हमारे बॉस लोगों का बहुत सपोर्ट रहा हमको, साथ में स्टॉकिस्ट लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे मेन इसमें रोल अदा किया है, जिन्होंने जिनकी वजह से हमने टारगेट अचीव किया, और वही अचीवमेंट का गिफ्ट हमको जो मिला है वो है ये एवेंजर 220 क्रूज। तो अल्लाह का एहसान है, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टॉकिस्ट डॉक्टर और हमारे सारे बॉस लोग, उनको हम स्पेशली थैंक्स कहेंगे। और सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक हमारे बॉस लोगों में मैं आसिफ सर को कहूँगा, जिन्होंने हमको हर टाइम पर गाइड कर और ये समझाया कि इसे कैसे अन करना है, और हम दोनों ने इसे अल्हम्दुलिल्लाह अन किया है। आगे रैयान बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रैयान अहमद, मैं जलगांव हेडक्वार्टर से बिलोंग करता हूँ, मेरा कंपनी है एमक्योर फार्मास्यूटिकल, मैं सीडी डिवीज़न से हूँ, कार्डियो डायबिटिक डिवीज़न है मेरा। और थैंक्स टू ऑल फॉर माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिन्होंने मुझे मदद किया, मेरे बॉस लोग, मेरा एमक्योर का मैनेजमेंट, इवन मेरे केमिस्ट लोग, मेरे केमिस्ट भाई, स्टॉकिस्ट, मेरा मैनेजमेंट, मेरे कलीग्स, अदर्स कंपनीज़ के जो कलीग्स हैं, सभी ने इसमें साथ दिया है और सपोर्ट किया है, और सपोर्ट के बिना भी हम लोग ये इंसेंटिव अचीव कर पाए, और आगे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम आगे भी करेंगे और करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे दूसरे कलीग्स और दूसरी कंपनीज़ के एमआर भाइयों से यही कहना है कि आपको अगर कोई टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए आपको एक एम रखना होता है, एक एम है जो कि एक ईमानदारी से काम करो, पंक्चुअल रहो काम पे, और ऑनर रहो, दैट्स ऑल, थैंक यू।